दोस्तों फिर से मैं यहाँ पर लेकर आ चुके हूँ तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए, जो छात्र छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा जो है 19 फरवरी को देंगे, सोशल साइंस आने की जो है सामाजिक विज्ञान का जो है यहाँ पर 19 फरवरी को परीक्षा देंगे, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल सोशल साइंस आने की जो है सामाजिक विज्ञान का जो है वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है, जो आप लोग को परीक्षा हॉल में 19 फरवरी को हूबहू क्वेश्चन जो है आप लोग को सारा का सारा प्रश्न जो है आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसमें जो है आप लोग को कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो 80 दिए जाएंगे। इसमें जो है आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से जो आप लोग को 40 का ही जवाब जो है क्या करना है, वो एमआर शीट में जो है आप लोग को करेक्ट आंसर जो है आप लोग को फिलअप करना है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पर 80 का 80 जो यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ पर देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। सारा का सारा प्रश्न जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को परीक्षा हॉल में डायरेक्ट जो यहाँ पर हूबहू क्वेश्चन जो आप लोग को सारा का सारा देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू जरूर देखिएगा, तभी जो आप लोग सारा का सारा प्रश्न पत्र को जो आप लोग हल कर पाएंगे। चलिए फटाफट से जो यहाँ पर सोशल साइंस का जो यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और बगल में बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास जाएंगे, आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है फटाफट से जो है देख लेते हैं सारा का सारा प्रश्न पत्र को। तो चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो निकल कर आ रही है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति जो है यहाँ पर नवंबर 1917 ईस्वी में हुई बोल्शेविक क्रांति। राइट आंसर जो आप लोग को भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये जो यहाँ पर पुर्तगाली थे। राइट आंसर आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, ये जो हुआ था यहाँ पर आप लोग को अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में हुआ था। राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, ये जो की थी यहाँ पर आप लोग को बता दे तो यहाँ पर जो है 1925 ईस्वी में जो है केबी के हेतगेवार ने की थी। तो राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, इंग्लैंड में जो है सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क माता अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो ये जो प्राप्त हुआ था आप लोगों को जो है यहाँ पर बता दे तो यहाँ पर 1918 ईस्वी में। तो राइट आंसर आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जो है उभर कर आया, ये जो आया था यहाँ पर जो है मध्यम वर्ग आया था। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो ये जो अंत हुआ था यहाँ पर 1861 ईस्वी में। तो राइट आंसर जो है आप लोग को क्या सही है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, वायरल प्रश्न, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी जो है नई शासन प्रणाली का जो है उदय हुआ, तो ये जो यहाँ पर फांसीवादी नाजीवाद शासन का हुआ। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, किस पत्र ने रातों रात जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से जो है बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो ये जो बदली थी अपनी भाषा को अमृत बाजार पत्रिका ने बदली थी। तो राइट आंसर जो है 9 का क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो निकल कर आ रही है 10 नंबर, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा, तो ये जो कहा था मार्टिन लूथर ने कहा था। राइट आंसर 20 सही। नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है 11 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये जो प्रचलित है उत्तराखंड में, आप लोग को ध्यान रखना है। राइट आंसर डी सही है, सोपानी कृषि जो है कहाँ प्रचलित है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो ये जो यहाँ पर 65% होती है। तो राइट आंसर आप लोग को ध्यान रखना है 65% सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया, तो ये जो किया गया 3 वर्गों में, तो राइट आंसर 20 सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जो है 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर जो है वन का विस्तार था, तो ये जो था यहाँ पर 400 करोड़ हेक्टेयर में जो है भूमि का विस्तार था। राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का जो है यहाँ पर उपयोग होता है, तो ये जो होता है 10 किलोग्राम का मैग्नीज का जो है यहाँ पर उपयोग होता है,
1 टन इस्पात बनाने में तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो ये कोयले का सर्वोत्तम प्रकार जो है एंथ्रेसाइट है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो ये जो है चीनी उद्योग है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है, वायरल भारतीय अंतर्देशीय जो है जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो ये जो किया गया था 1986 ईस्वी में गठन जो है यहाँ पर अंतर्देशीय जलमार्ग का किया गया था, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, पाइराइट जो है किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो ये जो है अधात्विक खनिज है, राइट आंसर बी सही, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी जो है कितनी थी? तो ये जो यहाँ पर थी कितना, आने की 10.5 आने की 10.5 जो है यहाँ पर 5% थी, तो राइट आंसर जो है यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में व्यक्तियों में से कौन जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो ये जो यहाँ पर थे, यहाँ पर आप लोग को जेड गुडी जो है विरोधी रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, निकल कर आ रही है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर जो है आधारित है? तो ये जो आधारित जो है एक धर्म में दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है तो ये अमेरिका है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 24 नंबर है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से जो है प्रारंभ हुआ? तो ये जो हुआ था यहाँ पर 1970 के दशक से, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 25 नंबर है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? तो ये जो है यहाँ पर पेड़ बचाने से, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में जो है यहाँ पर शुरू किया गया? तो ये जो किया गया आप लोगों को आंध्र प्रदेश से, तो राइट आंसर जो आप लोगों को क्या सही है, तो यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है, यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में जो है पड़ी थी? यानी कि राजनीतिक दलों की नींव जो है यहाँ पर सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये जो पड़ी थी यहाँ पर कहाँ, ग्रेट ब्रिटेन में, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम जो है संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ये जो रहती है आप लोग को बहुदलीय व्यवस्था, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? ये जो है लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ये इसका राइट आंसर जो है भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, इनमें से किससे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किससे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसमें जो है आप लोग को बिहार को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है नावाड की स्थापना कब की गई थी? नावाड की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, इनमें से कौन जो है संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का जो है साधन है? तो ये जो है यहाँ पर व्यावसायिक बैंक है, तो राइट आंसर सी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को जो है कहा गया? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो ये जो कहा गया यहाँ पर मुंबई को, तो राइट आंसर जो है ये सही, आप लोग को ध्यान रखना है, भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को कहा गया, राइट आंसर ए सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन जो है एक बीमारू राज्य नहीं है? तो ये जो है कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है, राइट आंसर आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो ये जो 5 है आप लोग को ध्यान रखना है, सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में, आप लोग को ध्यान रखना है, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णाभूषणों की जो है परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता जो है प्राप्त चिन्ह का जो है होना आवश्यक है? तो ये जो होना आवश्यक है यहाँ पर हॉलमार्क का, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, नदियों में बाढ़ आने का जो है प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का जो है प्रमुख कारण जो है यहाँ पर वर्षा की अधिकता, यानी कि वर्षा जब अधिक होगा तो यहाँ पर नदियों में जो है बाढ़ आने की जो है प्रमुख कारण हो जाता है, तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है, भूकंप भावित क्षेत्रों में जो भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये जो होनी चाहिए यहाँ पर आयताकार होनी चाहिए, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, ब्रेस्ट लिटोक्स की संधि जो है किन देश के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोक्स की संधि जो है किन देशों के बीच हुई थी? तो ये जो यहाँ पर रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, राइट आंसर डी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जो है जाना जाता है? तो ये जो नाम से जाना जाता है आप लोगों को क्या, इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर जो है 42 का
डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 43 नंबर है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में जो है पारित हुआ, ये जो हुआ था 1929 लाहौर में हुआ था। राइट आंसर जो आप लोगों को ये सही है 43 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के जो है दौरान दी गई, तो ये जो दी गई यहाँ पर बारदोली के दौरान दी गई। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब जो है पारित किया गया, 1881 में, आप लोग को ध्यान रखना। 40 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का जो है शोषण हुआ, तो ये जो हुआ था श्रमिक वर्ग का। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी जो है क्रांति कौन सी थी, तो ये जो है सबसे बड़ी क्रांति जो थी यहाँ पर औद्योगिक क्रांति। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो ये जो हुई थी यहाँ पर 1980 के दशक में। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की जो है छपाई की, तो ये जो छपाई की थी यहाँ पर बाइबल की, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो ये जो यहाँ पर हुई थी चीन में, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 51 नंबर, मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, तो मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रसायन जो है यहाँ पर एड्रीन है। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 52 नंबर, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का जो है संकेंद्रण जो है बढ़ा है, तो ये जो बढ़ा है यहाँ पर आर्सेनिक का, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान का धारा 21 का संबंध है, तो ये जो है वन्य जीवों तथा प्रकृति संसाधनों के संरक्षण से है, तो राइट आंसर ये सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का फैलाव है, तो ये जो है यहाँ पर आप लोगों को 7% है, तो राइट आंसर ठीक सही है 54 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है किस खनिज की जो है आवश्यकता पड़ती है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की जो है आवश्यकता पड़ती है, तो ये जो पड़ती है यहाँ पर बॉक्साइड की, तो राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर, भारत में किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा की विकास जो है की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, भारत में किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो ये जो है यहाँ पर राजस्थान में। राइट आंसर सी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है, निम्नलिखित में से कौन से जो है छोटे पैमाने का उद्योग है, तो ये जो है यहाँ पर खिलौना उद्योग है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, देश में कितने विशेष जो है आर्थिक क्षेत्र जो है विकसित है, तो ये जो है यहाँ पर 7 है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो ये जो है यहाँ पर 6283 किलोमीटर है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है यहाँ पर जो है विशेष ऊंचाई कहा जाता है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो ये जो होता है यहाँ पर समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की जो है दी गई असमान भूमिकाएं, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से जो है कौन सा कथन सही है, तो भारतीय संविधान के जो है बारे में इनमें से जो कथन जो आप लोग को सही हो जाएंगे, यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों मनाही करता है, राइट आंसर आप लोग को ये सही है 62 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न है, साता में सरदारी सही है क्योंकि, साता में सरदारी है क्योंकि, तो ये जो है विभिन्न समुदायों के बीच जो है टकराव कम करती है, इसलिए जो है साता में सरदारी जो है सही है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जो है जाना जाता है, आने की वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जो है जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है यहाँ पर जो है आप लोग को क्या, देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जो है जाना जाता है, तो राइट आंसर जो 64 का आप लोग को क्या सही है, सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में किसने किया, तो ये जो किया था आप लोगों को जयप्रकाश नारायण ने, तो राइट आंसर जो डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से जो है संबंधित है, नर्मदा घाटी परियोजना जो राज्य से जो संबंधित है, ये जो है यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से जो है यहाँ पर नर्मदा घाटी परियोजना जो है संबंधित है, तो राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का जो है प्राण माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे जो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, राजनीतिक दल को माना जाता है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो ये जो दल बदल कानून जो लागू होता है यहां पर संसदों और विधायकों पर, तो राइट आंसर ए सही है।
नेक्स्ट प्रश्न, 69 नंबर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये जो हुआ था आप लोगों को 1899 में, तो राइट आंसर जो है 20 सही है, 69 नंबर कुचन की। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है 70 नंबर, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में से जो है सम्मिलित है? तो ये जो है विकसित है, तो राइट आंसर जो है आप लोगों को 20 सही है यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन की। 71 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक? 72 नंबर क्वेश्चन की जो है पटना हो जाएंगे, राइट आंसर जो है यहाँ पर 71 का ए सही। 72 नंबर, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? तो वह देश जो है यहाँ पर अविकसित कहलाता है, तो राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 73 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक जो आप लोग को है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो राइट आंसर जो है आप लोग को ये सही है 73 नंबर प्रश्न का। 74 नंबर प्रश्न, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ? तो व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था यहाँ पर 1969 में, तो राइट आंसर सी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है इनमें से सभी, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, राइट आंसर डी सही है, ऊर्जा का इनमें से सभी स्रोत है। 76 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन सी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये जो है इनमें से सभी हो जाएंगे, जैसे फोर्ड मोटर्स और सैमसंग हो जाएंगे और कोका कोला हो जाएंगे, राइट आंसर जो है डी सही है, इनमें से सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है यहाँ पर जो है 22 अप्रैल को, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे, 78 नंबर, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो ये जो कर सकता है राज्य आयोग में, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर आप लोग को 79 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना, ये जो है सुनामी का प्रमुख कारण है, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर आप लोग को डी सही। आप लोग को जो है बोर्ड परीक्षा में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से जो आप लोग को 40 का ही जवाब जो है आप लोग को क्या करना है? तो आप लोग को जो है OMR शीट में जो आप लोग को सही सही जो आप लोग को करेक्ट आंसर जो है फिलअप करना है। इससे पहले मैं मैथ और मैथमेटिक्स और यहाँ पर साइंस यानी कि विज्ञान का जो है और गणित का जो है यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 और यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है साइंस का और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है गणित का अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो इसी वीडियो के आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में लगा दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप लोग को जो है इस कोने में जो आप लोग को ओपन हो गया होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।